मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और इसको देखिए, इसने मेरे कपड़े चुरा लिए। मेरे पास वैसे ही ये विंटर्स के मैं लेती नहीं हूँ, कहाँ गई दिखती नहीं रही है। इसने मेरे कपड़े चुरा के पहने। तूने भी मम्मी के पहने? नहीं नहीं, मैं पहनती हूँ। नहीं, वापस देख। नहीं दूंगी। आप भी अपनी मम्मी के पहना करो। कौन? मैं? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही। अब मेरे पास मेरे कपड़ों पे डाका डालने के लिए अरायना ने मेरे कपड़ों पे डाका डाल दिया है। तो अब मैं नई शॉपिंग करके लाऊंगी अपने लिए। नहीं करोगी? तो दे मेरे कपड़े वापस। नहीं, आप जो मेरे गर्मियों के दो टॉप ले चुकी हो, जो जल्दी मौसम दिए थे, वो फारसी बताए। क्यों पहनी तूने मेरी टॉप? क्योंकि मैंने मन कर रहा था। मैंने ना कल ही निकाल ली थी ये, मैं कपड़े तय कर रही थी, मेरे को दिख गई। तो मैंने ये मेरी जीन्स के साथ कल ही निकाल के रखी थी। मैं सो के उठी ना, तो इन्होंने छुपा रखी थी। फिर मैंने और ढूंढी खजाने में से, और फिर मेरे को मिल गई, तो मैंने पहन ली। मेरी ब्रेन ने 100 रुपए की सेलिंग टूट गई। ये तो अत्याचार हो गया आप पर। मैं कह रही हूँ आपसे ही ले गई, आप पहुँचे तो पहले टूट गई। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं डेंटिस्ट के पास आई थी, 8 बज चुका है अभी, और रास्ते में मेरे स्लीपर्स टूट गए। वैसे तो सस्ते से थे, बट मुझे लेने पड़े। दिखाती हूँ, ये मैंने लिए हैं। अब ये मुझे तो अलग अलग डिज़ाइन के लग रहे हैं, बट वो बोल रहा था कि ये आता ही ऐसा ही है। अब जो भी है, घर तो जाना ही था, इसलिए मैंने ले लिए सस्ता जुगाड़। और बाकी सब्जियाँ वगैरह खरीदती हूँ, आज सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं। मेरा डेली का रूटीन ऐसा हो जाता है कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज टफ नहीं है, कुछ करूँगी एक्टिविटी, बट फिर मुझे दिखता है कि भाई बहुत ही काम है, और बस ऐसे में ही रह जाता है। बट एनीवे, फिर भी मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लो फील कर रही हूँ या मैं थकान महसूस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम तो करना ही है, अगर खुश होकर नहीं करेंगे तो वैसे करना पड़ेगा। इससे अच्छा खुश होकर कर लें, और जो काम करेंगे वो काम का नतीजा फिर अच्छा आता है, चाहे वो घर पे हो या फिर ऑफिस पे हो। तो बहुत ही ठीक है। उससे पहले भी कोई मेरा फ़ोन छीन करके मुझे निकल ले, मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, घर जाती हूँ। हे गाइस, कैसे आप सब लोग? बज चुके हैं रात के 9, नहीं 9 बज गए, हाँ 9 शायद बज गए, देखती हूँ। पूरे 6 मिनट है। अच्छा, पूरे 6 मिनट है 9 बजने में। मैं आ चुकी हूँ घर, अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज मैंने इवनिंग टी पी ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं हुआ। रोज का रोना ना, बोर हो गई मैं खुद बोल बोल के कि टाइम ही नहीं हुआ। अब क्या करें ना, ब्रेड खाऊंगा। ब्रेड नहीं खाएगा आज तो। आज हम चाय पियेंगे और फटाफट से मैं डिनर बना दूंगी। नहीं नहीं, क्या बना रही है ये? कागज क्यों काट रही है? अरे ये ना, अरे स्कूल का होमवर्क था कि पेपर काट काट के पेपर पे ही चिपकानी है और सीनरी बनानी है। और कलर, फिर उसके ऊपर से कलर। हाँ। किसने दिया ये होमवर्क तेरे को? मेरी टीचर ने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ब्लॉग देख लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कहने वाली थी नन्नी मैं। क्रिएटिव चीज़ मैम, अगर आप देख रहे हो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहने वाली थी कि ये बहुत अच्छी बात है कि नई नई क्रिएटिव चीज करने को मिलती है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, चाय पिएगी? हाँ, और ब्रेड खाऊंगा। ब्रेड नहीं, अभी जल्दी डिनर करेंगे हम। नहीं और दोस्तों, परसों जो मैं घी बना रही थी, ये वो घी है, देखिए कितना अच्छा पीला, काश खुशबू भी आप सूंघ पाते इसकी। दानेदार मैंने घी बनाया है, और अभी भी और बनाऊंगी। इसमें मैंने घी बना दिया है, और इसको अब हम बंद कर देंगे, और इसको हम आप यूज़ करेंगे पराठे बनाने में, दाल में, चावल में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे रेसिपी पूछने की, तो सॉरी, आप प्लीज़ गूगल कर सकते हैं। किस चीज़ का डब्बा है? आनंदा दही के डब्बे में मैंने बनाया है घी। क्या फ़र्क पड़ता है ना, मुझे भी तो पता है ना। और दोस्तों, बहुत दिन से मैंने आपको ये वाली चिड़िया नहीं दिखाई है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर ना दूसरी वाली वाइट वाली है, जो फीमेल है, और इस मटके को हम वॉश भी नहीं कर सकते, भी इन्होंने पॉटी करके गंदा करा हुआ है, क्योंकि उसमें एग हैं 3 उसके, और उसको वो सेक रही। जब तक उसमें से चूजे नहीं निकल आते तो हम क्लीन नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हेलो हेलो,
आपका नाम क्या है? इसका नाम ही नहीं है नन्नी कुछ भी रखा था हमने टैंगो। अच्छा टैंको रखा, मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। टैंगो है इसका नाम। टैंगो, हेलो टैंगो। और इसका अडोर्ना। नन्नी इतना मुश्किल नाम क्यों रखा अडोर्ना? ये तो भूतों के उसकी वो लग रही है। हेलो चेरू, क्या आप बाहर आना चाहती हैं? क्या आप बाहर आना चाहती हैं? नहीं पॉलिथीन में इसे निकाला था। क्या आप बाहर? नहीं अभी भी ये बाहर आना चाहती हैं। ओ रियो, क्या बाहर आना चाहते हैं? अभी नहीं आ सकते आप, क्योंकि अभी मैं पीऊंगी चाय। और मोटी, ओ मोटी, ओ मोटी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अब रात के 10 बज चुके हैं और आज मैं व्लॉग को थोड़ा सा जल्दी एंड करूंगी, बिकॉज मेरे को इस व्लॉग को, तो आज का जो व्लॉग है इसको एडिट कर नहीं करना है। उसके साथ मुझे एक अध्यात्म का जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी मुझे एडिटिंग करनी है, उस पर भी एक वीडियो मुझे बनानी है। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसको वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपसे मिलेंगे हम कल। और सौरभ जोशी का व्लॉग मैं देख चुकी हूँ। हमने हमारे चैनल का नाम, जैसे कि हम पहाड़ी परिंदे हैं, तो हम बेसिकली पिथौरागढ़ के हैं, जो कि अल्मोड़ा के बहुत ही पास में। जो लोग उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा ये सारा चीज़। और बाकी हम मिलेंगे आपसे कल कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने अपने परिवार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।